मोदी जी को उठाना है, इसलिए हम कह रहे हैं कि मोदी जी वाकई में आप में दम है तो, वाकई में देश की जनता आपको चाहती है तो ये चोरी छोड़ो और बैलेट पेपर से मैदान में आ जाओ और फिर जीत के प्रधानमंत्री बनकर दिखाओ तो जानेंगे आपको। लेकिन वो चैलेंज करने की हिम्मत नहीं है और ये हिम्मत इसलिए बनाई है कि कल हम लोग केवल जो इलेक्शन कमीशन को मिलने के लिए जा रहे थे हम लोगों को 20 कदम चलने दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। और हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि 50 ईवीएम हमें दे दो, 50 बैलेट यूनिट, 50 कंट्रोलिंग यूनिट और 50 वीवीपैट। हम आपको पूरे देश में 50 जगह लाइव पूरे प्रेस के सामने, पूरे मीडिया के सामने, देश के लोगों के सामने हैक करके दिखाएंगे और किस तरह से प्रोग्रामिंग होती है खुलेआम दिखाएंगे। लेकिन मोदी जी डर गए, इलेक्शन कमीशन भी डर गया, यह इलेक्शन कमीशन सरकार के कब्जे में है, हमें जाने नहीं दिया और 20 कदम जाके हमें डिटेन कर लिया और उसके बाद हमें पकड़कर मंदिर पर थाने ले गए। फिर उसके बाद में हमें गरम गरम चाय पिलाई, 2 घंटे बाद छोड़ दिया। हमारे बहुत महत्वपूर्ण साथी भाई मेहनत पराचा को बोलने से पहले डॉक्टर एस एन गौतम साहब उनको बुलाओ। उससे पहले मैं 2 चीज अनाउंस करना चाहता हूं जो मैं भूल गया। राजस्थान में जो हमारी कमेटी रहेगी, अभी उस कमेटी को राजस्थान में पूरी तरह से डील करने के लिए जो हमारी कमेटी के साथी रहेंगे पूरे राजस्थान प्रदेश के, वो है एडवोकेट पूरन चंद भंडारी। पूरन चंद भंडारी साहब रहेंगे, सहमत है आप लोग? इसके साथ साथ जो महाराष्ट्र में हमारे जो साथी हैं जो हमारे साथ बहुत पहले से रहे हैं अभी आए हमारे बीच में, महाराष्ट्र की जिम्मेदारी रहेगी अशोक बहादुर साहब के साथ, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी रहेगी और बाकी सारी टीमें बाद में हम अनाउंस करेंगे। और मैं चाहता हूं डॉक्टर एस एन गौतम साहब हमको सभी को अपना रिप्रेजेंटेशन बताना है और मुझे जो मौका दिया गया है उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन एक बात मैं कह देना चाहता हूं, ये डरो मत, हमारे देश की सरकार जानती है, हमारे देश का हर आईएएस जानता है, हमारे देश का हर जुडिशरी से जुड़ा हुआ व्यक्ति जानता है कि ईवीएम में हेरा फेरी करके सरकार बनाई जाती है। इसलिए कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ये कहे या जुडिशरी ये कहे कि आप हमें साक्ष्य दीजिए, मैं सीजेआई साहब से सिर्फ निवेदन कर रहा हूं वो इलेक्शन कमीशन को इस बात के लिए आदेशित करें कि आप वो लोग जो मंचों पर जाकर के ईवीएम के हैक होने की प्रत्यक्ष प्रमाणिकता सिद्ध कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन उनको अपने पास बुलाए और उनकी इस प्रमाणिकता को देखकर तत्काल निर्णय ले कि इस देश के आम नागरिक को, क्योंकि ये संविधान अमीरों के लिए नहीं था, ये संविधान था गरीब लोगों के लिए, ये संविधान था महिलाओं के लिए, ये संविधान था उन लोगों के लिए जिनको कोई इज्जत और सम्मान नहीं था देश में। इसलिए संविधान को बचाने और उनके वोट के अधिकार जो गरीब को मिला हुआ था उसे मशीनीकरण के द्वारा ये न्यायपालिका, ये इलेक्शन कमीशन, ये सरकार, ये जुडिशरी या आईएएस कोई भी हो अपनी जातिवादी मानसिकता के तहत इस देश को जो बर्बाद किया जा रहा है, झूठे झूठे भगवानों को गढ़कर आज इस विकास के पैसे को एक खास कारपोरेट सेक्टर, मंदिर का कारपोरेट सेक्टर तैयार हो गया है। हम इसकी निंदा भी करते हैं और देश को आगाह करते हैं आने वाले समय में ऐसा ना हो कि गरीबों के बच्चे अपने हाथ में हथियार उठाने पर मजबूर हो जाए। धन्यवाद। मैं इससे